अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिश तैयार कर रहे हैं वो एक अरबी डिश है। नॉर्मली अरब में जो है चिकन जो है ज़्यादातर जो स्किन होती है ऊपर वो वाला यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे अभी मिला नहीं है तो मैंने बग़ैर स्किन का ही ले लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ स्किन वाला ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा होता। तो मैं आप लोग जब भी लें इसको बनाने के लिए, कोई भी अरबी डिश बनानी हो, वो नॉर्मली खानों में भी स्किन वाली चिकन ही यूज़ करते हैं, तो आप लें तो स्किन वाली ले लीजिएगा। और जिस डिश को मैं बना रही हूँ वो है कुप्सा मसाला, कुप्सा राइस, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं, 1 किलो की भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 किलो की चिकन ली है और इसमें सबसे पहले इसको 2 स्टेप में हमने तैयार करना है। पहले में चिकन और दूसरे में राइस इसके तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। उसके लिए 2 चम्मच मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साथ इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस जाएगा और साथ इसमें कब्सा मसाला जो है मेरे पास यहाँ पे कराची में तो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत सारी जगहों पे ढूंढा है लेकिन नहीं मिला। ये मैंने स्पेशल सऊदीया से मंगवाया है। अगर आप लोगों को मालूम हो कि कहाँ से मिलता है तो मुझे कमेंट्स देख के ज़रूर बताइएगा। इसके 2 टेबलस्पून इस मसाले के इसमें चिकन में जाएंगे, तो 2 टेबलस्पून इस मसाले के जाएंगे। और साथ थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक देने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून तंदूरी चिकन मसाला डाल रही हूँ। वैसे नॉर्मली जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये नहीं डलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा चटपटा पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने ये सारा कुछ मसाला मिक्स करना है, इसको चिकन में लगाना है और मैरिनेशन के लिए रख देना है। बस इस मसाले को हमने चिकन में लगाना है। अच्छा सा मैंने बड़े बड़े कट भी लगा दिए थे इसमें, इसको इसमें लगाएंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इस तरह से फांके खोल खोल के इसकी जो हमने कट लगाए हुए हैं उन फांकों के अंदर अच्छा सा लगाना है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि अरबी लोग ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाते हैं, उनके खानों में मिर्चें नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा मिर्च मसाले वाला खाना पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने इसमें मसाला थोड़ा सा शामिल किया अपना। बस इसको लगाना है और रख देना है हमने। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसके 2-3 तरीके हैं जो तैयार किए जा सकते हैं। इसको आप देगची में भी दम दे सकते हैं, इसको आप स्टीम करने का भी ऑलरेडी मैं तरीका बता चुकी हूँ मुख्तलिफ उसमें, और एयर फ्रायर में भी इसको बना सकते हैं, ओवन में भी रख के इसको स्टीम दिया जा सकता है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं हम, लेकिन आज देगची में देंगे। तो उससे पहले मैं इसको देगची में रखने से पहले इसको मैं अच्छा सा ऑयल लगा रही हूँ। हमने मसाले में ऑयल नहीं डाला था तो इसलिए मैं चिकन के ऊपर ही अच्छा सा ऑयलिंग कर रही हूँ इसको, ताकि हमें देगची में ऑयल ना डालना पड़े। मैंने देगची में सबसे पहले इसके नीचे एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है ताकि इसका मसाला जल के ज़ाया ना हो। तो अब हमने इस चिकन को इसके कुकर इसमें देगची के अंदर रख देना है और जो मसाला बाकी हमें यारा बाउल में बचा है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस इसको कवर करके मैंने मीडियम आंच के ऊपर ही हम इसको रखेंगे तकरीबन 1.5 से 1.75 घंटे के लिए, और फिर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। जब तक चिकन रेडी हो रहा है हम चावल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 5 कप चावल लिए हैं, इनको धो के तकरीबन 15 मिनट से भिगोया हुआ है। ये सेला चावल नहीं है, बनस्पति चावल है, इसलिए मैंने सिर्फ 15 मिनट से भिगोया है। आप अपने चावलों के हिसाब से उसको भिगोएं और अपने हिसाब से तैयार करें। तो ये 5 कप चावल है, साथ ही इसमें 2 दरमियानी प्याज जो हम ऑमलेट कट करते हैं वो वाली प्याज काट के हम डालेंगे, ब्राउन नहीं करनी, बस कच्ची पकी करनी है। साथ टमाटो पेस्ट है, ये होममेड है, आप लोग बाजार का भी डाल सकते हैं, वो जाएगा तकरीबन
तीन से चार चम्मच। कन्नौर क्यूब है, तीन अदद लिए हैं मैंने 5 कप चावलों के हिसाब से। और ये ड्राई लेमन मिलते हैं, ये इसमें जाएंगे 2 अदद। साथ इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट का जाएगा, और साथ जो खुबसा मसाला है वो जाएगा, 1 kg में 1 चम्मच जाएगा, तो सॉरी 1 कप में 1 चम्मच जाएगा। तो मैं 5 कप ले रही हूँ, तो तकरीबन ये 5 चम्मच चले जाएंगे इस मसाले के इसमें चावलों में। तो सबसे पहले मैं तेल और प्याज को, प्याज मैंने कच्ची पक्की करनी है, तो तेल आप चावलों के हिसाब से अपने ले लें। मैंने 1/4 कप तकरीबन लिया है, और इसमें प्याज को हमने बस कच्चा पक्का करना है। ये मैंने सारी प्याज नहीं डाली थी, अब डाल रही हूँ। तकरीबन 2 दरमियानी प्याज हैं जिसको ये मैंने कच्चा पक्का करने के लिए रखा है, और चॉप की है, स्लाइसिस में नहीं काटना, चॉप करना है। प्याज हमारी कच्ची पक्की हो गई है, देखे सिर्फ इसको सोते करना है, इसको पूरा ब्राउन नहीं करना है। अब अपने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, साथ इसमें कनौर क्यूब और ड्राई लेमन जो रखे हुए हैं वो जाएंगे इसके अंदर, ड्राई लेमन और कनौर क्यूब वो चले जाएंगे इसके अंदर। साथ मसाला जैसे मैंने बताया था 5 चम्मच वो जाएगा, साथ इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, बाकी नमक हम फिर चेक करके डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। टमाटर पेस्ट जैसे मैंने बताया कि मेरा घर का बना हुआ है, थोड़ा सा पतला है बस, और कुछ इसमें फर्क नहीं है, थोड़ा सा पतला है ये। मैं 5 बड़े चम्मच इसके डाल रही हूँ, आप लोग उनके पास अगर बाजारी हो तो वो कम डालिएगा, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है इसलिए। बस इसको मिक्स करना है, और साथ इसमें अब हम 2 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं। दो गिलास पानी शामिल करके इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, ताकि ये लेमन अपना रस छोड़ दें और कनौर क्यूब जो डाले हैं वो घुल जाएं, वो साबुत रह जाएं तो चावलों में बहुत बुरे लगते हैं। पानी अच्छा सा हमारा पक गया है, अब हमने इसको इसमें चावल ऐड करने हैं, पानी चेक करना है, और नमक भी इसी कंडीशन में चेक करना है, और फिर इसको हमने पकने, जैसे नॉर्मल चावल पकाते हैं वैसे ही पकने के लिए रख देना है। बस इसको पहले इसके साथ मिक्स करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि पानी कितना कम है, और फिर हम, पानी हमें कम लग रहा है तो इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी और डाल रही हूँ। नमक भी चख लेंगे, ताकि साथ साथ नमक का भी पता चल जाए। मेरे लिहाज से नमक भी परफेक्ट है, बस इसको हम पकने के लिए रखेंगे। जी नाज़रीन, चावल जैसे ही दम पे आए, मैंने चावल नीचे रखे हैं, ऊपर चिकन इसमें रखा जाता है, लेमन जो हमने ड्राई लेमन डाले थे वो मैंने लगाए हैं, और बस हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अगर ये मसाले के बारे में पता हो तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि वो बहनें जो ये डिश बनाना चाहती हैं और उनको नहीं पता, तो आप लोगों की उससे उन तमाम बहनों को इस मसाले के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।